काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश जबलकोट के बेहद अहम फैसला सामने आया है। बता दें कि हिंदू लड़की और सिम लड़का के शादी का कोर्ट के द्वारा अवैध बताया गया है, जबकि प्रेमी चोड़ा का सुरक्षा दे द्वारा इनकार। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी चैनल का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें मुस्लिम लड़का के शादी पर अहम फैसला सुनावागा। मामला के सुनवाई में जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा धर्मांतरण के बिना होने वाली शादी का अवैध करार कई दिन का। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि मुस्लिम लड़की जो हिंदू है उनके विवाह वैध नहीं हो सके। कोर्ट के द्वारा विशेष विवाह एक्ट 1954 के तहत अंतरधार्मिक विवाह का पुलिस सुरक्षा दे के मांग वाली याचिका का खारिज। न्यायाधीश गुरुपाल सिंह के द्वारा मामला की सुनवाई करके कहा गया कि मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की के बीच विवाह का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत अवैध माना जाए, भले वर वधु के विवाह विशेष विवाह एक्ट के तहत भा हो, बिना धर्म बदले या विवाह एक अनियमित विवाह हुई। दरअसल अनूपपुर के एक दंपति के द्वारा याचिका दायर करके पुलिस सुरक्षा के मांग की गई। महिला के परिवार अंतर धर्म विवाह के विरोध में रहा और उनका आशंका रही कि अगर शादी आगे बढ़ाती तो समाज के द्वारा उनका त्याग कर दिन जाए। इतने नहीं, परिवार के द्वारा दावा किया गया कि युवती शादी से पहले घर से आभूषण लेके पहुंची रही। दंपति के वकील के द्वारा बताया गया कि कपल विशेष विवाह एक्ट के तहत विवाह करे चाहत रहे, लेकिन महिला विवाह करे के खातिर दूसरा धर्म अपनावे के इच्छुक नहीं रही। दूसरे कई पुरुष अपन धर्म बदले का तैयार नहीं रहे। कोर्ट के द्वारा युगल के याचिका का यह देख के खारिज कर देगा कि न तो बिना विवाह करे लिव इन रिलेशन और रहे का तैयार रही है, न मैं लड़की लड़का के धर्म का अपनावे का तैयार रही। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।